मौसम का बदला मिजाज और बदलते हुए मौसम का मिजाज यहाँ अलग है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और इसी वजह से जो मौसम का बदलता हुआ मिजाज है वो देखा जा रहा है। प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और बदलते मौसम की एक तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि सर्दी का जाने वाला रास्ता तैयार है, लेकिन इसी बीच यहां बदलता हुआ मौसम एक बार फिर से नजर आया है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है और गुरुग्राम के साथ साथ कई और इलाके हैं, प्रदेश के कई हिस्से हैं जहां पर बदलते हुए मौसम का असर भी देखने को मिला है और तस्वीर भी देखने को मिली है। लेकिन तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जानकारी ये भी है, और बदलता हुआ मौसम यहाँ लोगों के लिए किस रूप में है, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि अक्सर देखा जाता है गुरुग्राम में कई बार बारिश के बाद सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है, जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, तो उस सब के लिए प्रशासन कितना तैयार था, सवाल ये भी है। संजय राठौर हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, क्या जानकारी है? संजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, संजय बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं बताना चाहूंगा, कल से ही जो तापमान में काफी गिरावट जरूर देखने को मिली, क्योंकि एकदम गर्मी जरूर हो गई थी। हम बात करें और गुड़गांव की खास तौर पे बात करें, काफी पोल्यूशन यहाँ पर है, तो उसका कारण भी है कि गर्मी ज्यादा बढ़ती है और उसी के चलते आज हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है गुरुग्राम में। तेज हवाओं के साथ ये बारिश आई है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में गिरावट भी आई है और लोगों को जो गर्मी थी उससे राहत भी जरूर मिली है। जी लेकिन संजय, अक्सर देखा जाता है कि जब मौसम का बदलता हुआ मिजाज हम देखते हैं, बारिश होती है, खास करके गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, सड़कों पर लंबा लंबा जाम, जल भराव की तस्वीर, क्या इस सब से निपटने के लिए, क्योंकि अचानक से ही ये एक तरीके से बारिश हुई है, बदलता हुआ मौसम देखने को मिला है, प्रशासन की कुछ तैयारी थी या फिर बारिश यदि होती है थोड़ी ज्यादा तो क्या एक बार फिर से गुरुग्राम में जल भराव और जाम की स्थिति बनेगी? जी बिल्कुल सुमन, प्रशासन की बात करें तो हर बार प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जाते हैं कि हमने बारिश से पहले ही, प्री मानसून से पहले की भी हम बात कर ले, और जो एकदम बारिश आई है तो उससे पहले इंतजाम पूरे किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज साबित होते हैं। लेकिन जब बारिश आती है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि हमारी तरफ से सभी प्रयास है, वो बेशक ट्रैफिक पुलिस की, क्योंकि रोड पे बारिश के साथ साथ जाम भी लगता है, तो उससे निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस भी मुस्तैद रहती है और जिला प्रशासन की हम बात करें, क्योंकि करीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी मोटर और पंप लगाए गए हैं जहां भी पानी भरता है तो उसको वहां से निकाल लिया जाए, तो उसके बावजूद भी गुरुग्राम में अक्सर जाम देखने को मिलता है, साथ ही साथ जल भराव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन अभी हल्की बारिश गुरुग्राम में है, जैसे ही तेज बारिश आती है उसके बाद ये देखने वाली चीज जरूर होगी क्या जिला प्रशासन की जो तैयारी है, जो वादे हैं, उस पर जिला प्रशासन कितना खरा उतर पाता है। नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी के लिए।